स्नेहा 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 गुप्पू कहाँ हो? निकलो, तुम कैसे आई मेरे घर में? निकलो यहां से, निकलो। तो फिर दरवाजा खुला नहीं ना छोड़ना था? ओ, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें भी ब्लैकमेल करूंगी? जैसे तुम इतना इतराती क्यों? तुम में ऐसा क्या है? ना शक्ल, ना सूरत, ना फिगर, बस एक बच्चा है, अजीब सा। दिल चाहता है कस के चपेट लगाऊं। मैंने उसको इतना डराया कि अब वो कभी भी चुगलखोरी नहीं करेगा। तुमने तो लाया था ना मेरे बेटे को? हाँ, इसी छत के नीचे। बड़ा मजा आया था। और ना, मैंने उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी भी सुनाई थी। और अब वो मुझसे इतना डरता है कि जो ही मुझे देखता है तो बेड के नीचे जाके छुप जाता है। निकलो, निकलो मेरे घर से। रिलैक्स। तुम्हारा मिया मेरी मुट्ठी में। पता है वो दिन रात मेरे पास आते हैं, हम सुबह से शाम तक वक्त गुजारते हैं साथ। मैं ना उसको उसके वक्त का पैसा भी देती हूँ। अभी भी मेरे घर के दरवाजे के बाहर वेट कर रहा है। कैमरास लगे, मैं दिखाऊं? अरे देखो तो सही, तुम्हारा मियां मेरा आशिक बन गया है। सुनो जी, उसने रात को बताया कि तुम उसे बड़ा टफ टाइम दे रही हो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आके बताऊं कि ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छा है, ऐसे आदमी नहीं मिलते। प्लीज डू नॉट बी नास्टी। वैसे आजकल ना जमाना बहुत बुरा है, दूसरी औरतें तलाके करवा के खुद शादी कर लेती और फिर वही शौहर उन्हीं औरतों के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे कि फराज लट्टू मेरे पीछे। तुम जो चाहती हो ना वो मैं नहीं करूंगी। हाथ नहीं उठाऊंगी इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम मुझे कुछ कहोगी तो तुम्हारा मियाँ तुम्हें ही बोलेगा। फराज बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। ओ रियली? लगी शर्त? ओ वेट, पहले भी एक ऐसी शर्त लगी थी, उसका क्या हुआ? याद आया, तुमने कहा था तुम्हारा मियाँ बहुत फरिश्ता है और वो किसी और के साथ सिंसेयर हो ही नहीं सकता। थरा गेस व्हाट स्नेहा, वो मेरा हो गया। ओ माय गॉड, मैं जीत गई। तुम हार गई स्नेहा, तुम हार गई। Thank you.
हेलो सर, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी बात पे एतराज नहीं करूंगी। मोना की बातों में आके तुम अपना भी नुकसान कर रही हो। हाँ, मैं अब मोना से कभी नहीं मिलूंगी। अच्छा फराज, अब तुम थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? अभी अभी कैसे स्नेहा? मैं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। आ जाओ ना। कैसी बच्चों वाली जिद लगाई हुई तुमने। आ रहा हूँ बॉस मैं। अच्छा मेरे लिए नहीं तो शेरोज के लिए आ जाओ, उसको तुमसे कोई बात करनी है। क्या क्या बात करनी है उसने? घर आओ ना तो बताती हूँ। अच्छा आता हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके 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 बाय। हेलो हेलो फराज, कहाँ हो? वहीं घर पे? नहीं नहीं अभी घर जा रहा हूँ, वो स्नेहा का फोन आया था, अभी कुछ परेशान लग रही थी, सॉरी भी बोल रही थी। तुम डॉक्टर के आई हो अभी? हाँ मैं। तो तुम घर कब आओगी? एक दो दिन में। क्या मतलब? मेरा बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? तारा हेलो तारा हेलो हेलो, मैं कल तक रूम नंबर 102 में रह रही हूँ, मेरी बात हो गई। आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका। ये हुआ कैसे है? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने के लिए, तो ये कैसे हुआ? मैं क्लिनिक नहीं गई थी, तुम्हारे घर गई थी। मेरे घर क्यों? उसको यकीन दिलाने। मैं उसको बताने गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, बार बार की मेरा ये अशर की। स्नेहा ने क्यों मारा? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है। ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले, इसीलिए उसने मुझे बहाने से बुलाया। मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती थी, उसकी इतनी बड़ी सजा दी मुझे, क्या क्या सामने लगाए मेरे ऊपर, मैंने क्या बिगाड़ा उसका। आता हूँ।